मंदाकिनी गंगा के किनारे। सुनो यार, बात क्या कर रहे रामकुमार? मैं तो बोल भी क्यों, तुम से तो बात कर रहा हूँ। सारी रिकॉर्डिंग खराब करवा रहे हैं। चित्रकूट में स्फटिक शिला के ऊपर भगवान राम और जानकी जी बैठे हैं और जयंत ने भगवान श्रृंगार कर रहे थे, तो इंद्र के पुत्र जयंत ने सोचा, देखो ज्यादा बड़े जो होते हैं ना रुपया वाले, वो भगवान को मानते नहीं है। हाँ, और या बहुत धनाढ्य जो बड़े बड़े सेठ हैं,
क्योंकि लाख ठाकुर जी के श्रृंगार पे और भंडारे में खर्च कर देते हैं, पर जो बीच वाले होते हैं ना, जो बाद में पैसे वाले बनते हैं, वो भगवान को मानते नहीं। ये इंद्र का पुत्र भी ऐसा ही है, बड़े लोगों के बच्चे हैं, ये काय को मानेंगे? बिना कमी कमाई संपत्ति इनको मिल गई, इसने काक का रूप धर के मां जानकी के पैर में चोंच मारी, सीता चरण चोंच अतिभागा, चोंच मार करके भगा, रुधिर भ्रमण करने लगा। भगवान ने देखा खून बह रहा है, वहीं से आसन से तिल्ला निकाला, फेंक के मारा, तीनों लोकों में घुमा दिया, वहीं उसी तिल्ले को वो अग्नि बाण की तरह पीछे रहा। मेरा कहने का मतलब आपको ये है कि ठाकुर जी अगर दुष्टों का संहार ही करें तो वहीं बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो यहां आते हैं, राम अवतार में आते हैं तो मिथिला वालों की गाली खाने आते हैं, जनकपुरी के राम जी गए। हमको एक टाइम की बात याद है कि राम जी गए, बारात बैठी भोजन कर रही, तो अब तो आजकल पता नहीं है, पर हम तो सुना छोटे छोटे थे, बड़ी बड़ी गालियां दिया कर रहे हैं, बराती नीचे को मुंह करके हंसते हुए खाते थे भोजन, बोले और चार पूरी पाल तो खा लेंगे, इतना मजा आता था गाली सुनते। हाँ, और ये गाली अब से नहीं, ये उस समय से राम जी के समय से चली आ रही, खूब दे रही, दशरथ की बहनियों, दशरथ की बेटियों, और लक्ष्मण जी को बार बार क्रोध आए, धनुष बाण पे हाथ जाए तो राम जी पकड़ ले, क्या कर रहे हो यार, हर जगह धनुष बाण चलता है क्या, कहिए हमारी हमारी बुआ को गाली दे रही, बताओ पिताजी को गाली दे रही, बोले तुम कुछ मत कहो। राम जी ने कहा हम अपने आप जवाब दे, तो भगवान राम ने मुस्कुरा के देखा, तो भगवान जब मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कुराहट में माया छिपी है। एक संत ने लिखा है कि जयमन बैठे बरात जभी, तब नारी चढ़ी मितले सटारी, और ले ले के अवदेश को नाम, दशरथ जी का नाम ले ले के अवदेश को नाम, देन लगी सब मीठी गारी। और राम जी ने जो देखा तो राम को रूप निहारत ही, सब भूल गई वो गावन हारी, और भूल गई अवदेश को नाम, और देन लगी मिथलेश को गारी, जनक जी को उल्टा गाली देने लगी उन्हीं के पक्ष की। और जब ये कृष्ण अवतार में आए तो गोपियों से ताने उलाहने गाली, ग्वाल बालों के उनको पीठ पे चढ़ा चढ़ा के मैं छोड़ रहे। नारद जी ने कहा है महाराज या इमर आओ के मत, तू पूछे मत, नारद आनंद आ रहा हो, हाँ ब्रजवासी को बोझ ढो रहा हूं ठाकुर। तो एक गोपी ने कही कि जब से मैंने इसके स्वरूप को देखा तब से मैं पागल हो गई। क्या कहती है? अरे वारिसे कन्हैया ने बहना में पागल कर डाली, वारिसे कन्हैया ने मैं पागल कर डाली।
कहती है। अरे साहब,